भाइयों और बहनों, करप्शन और कांग्रेस का साथ अटूट है। ऐसी जुगलबंदी है कभी अलग हो ही नहीं सकती। करप्शन को कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस को करप्शन चाहिए। कांग्रेस और करप्शन मिलकर के करप्शन के नए रिकॉर्ड करते रहते हैं। कांग्रेस के राज की पहचान है कि उसमें भ्रष्टाचार एक्सीलेटर पर रहता है और विकास वेंटिलेटर पर रहता है। भ्रष्टाचार एक्सीलेटर पर, विकास वेंटिलेटर पर, यही कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस सरकारों में एक होड़ सी मची रहती है कि कौन कितना ज्यादा भ्रष्टाचार करे। 2G हो, कोयला हो, कॉमनवेल्थ हो, कर्ज माफी घोटाला हो, जमीन के खेल खेले हो, पाताल हो, आकाश हो, जल थल नभ, देश का ऐसा कोई संसाधन नहीं हो जो इनकी लूट से बच पाया हो। इसमें भी नामदार परिवार का नाम सबसे ऊपर है। आपने हाल ही में मीडिया में देखा होगा कि बड़े बड़े फार्म हाउस से भी कैसे घोटाले किए गए। साथियों, इन्होंने देश की सेना को नहीं छोड़ा, हमारे सैनिकों को नहीं छोड़ा। बोफोर्स तोप या फिर हेलीकॉप्टर, हथियार का ऐसा सौदा खोजना मुश्किल हो जाता है जिसमें कांग्रेस द्वारा कमीशन की खबरें ना आती हो। साथियों, आपको याद होगा कि आपका ये चौकीदार हेलीकॉप्टर घोटाले के कुछ दलालों को दुबई से उठा करके ले आया था, याद है ना? याद है ना? इटली के इस मिशेल मामा और दूसरे दलालों से एजेंसियों ने कई हफ्ते पूछताछ की है, जिसके आधार पर कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की गई है। मैं मीडिया में देख रहा था कि हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा FAM है, फेम। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और FAM का मतलब है फैमिली। अब आप मुझे बताइए, आप तो अहमद पटेल का नाम सुना है ना, जानते हो ना, यहां जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके खासम खास है। अब मुझे बताइए, ये अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है, किस फैमिली से निकट है, किस फैमिली से निकट है? आपको पता चल गया हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई,
हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? भाइयों और बहनों, चौकीदार का यही कड़ा रवैया इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक जमाना था, जिस परिवार की एयरपोर्ट पर भी कोई तलाशी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, गाड़ी विमान की सीढ़ी तक चली जाती थी और सबके सब लोग सैल्यूट मारते रहते थे, आज वे लोग बेल पर बाहर है, जमानत पर है। जो परिवार खुद को भारत का भाग्य विधाता था समझता था, वो जेल जाने से बचने के लिए सारी तिकड़े में लगा रहा है।